पापा रिमोट दे देते तो अच्छा होता। वो ना मुझे फनी वीडियोस देखनी है। वैसे भी आपके और मम्मी के होते हुए हम खुश तो रह नहीं सकते। मेरा मतलब है कि फनी वीडियोस देखनी है, दे दो ना रिमोट। फनी वीडियोस देखनी है। कभी कभी न्यूज भी देख लिया करो, कुछ नॉलेज बढ़ेगी तुम्हारी। अरे पापा इसे मत दो, आप ना मेरे को दे दो, क्योंकि मेरा कार्टून देखूंगा वो डोरेमोन ही। डोरेमोन देखना है। डोरेमोन देखते देखते खुद डोरेमोन जैसा हो रहा है। तुम लोगों को पता है दुनिया में क्या हो रहा है? जनरल लोरिस तुम्हारी जीरो है, जीरो। एक सवाल पूछ लो ना, उसका जवाब नहीं दे सकते तुम लोग। पूछो। बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? हाँ, फंस गए ना। अरे तुम्हें इतना नहीं पता कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? न्यूज देखोगे कुछ दिमाग में घुसेगा कि देश में दुनिया में क्या हो रहा है। ये तक नहीं पता कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो तुम ही बता दो ना, कौन है भारत का उपराष्ट्रपति? मैं क्यों बताऊं? पढ़ते ही है, जनरल नॉलेज इनकी अच्छी होनी चाहिए, तो इनको पता होना चाहिए ना कि उपराष्ट्रपति कौन है। खैर मुझे टीवी देखने दो। लाओ ये रिमोट मुझे दो। अब दो दिन से अनुपमा भी नहीं देखा मैंने। तुम्हें तो बस रोना धोना देखना है। देख रहे हो दुनिया में क्या हो रहा है? केजरीवाल भी जेल चला गया। वो तो जेल चला गया और तुम देखो यहीं के यहीं बैठे हो। क्या चाहती है कि मैं भी चला जाऊं जेल? है ये घर के जेल से कम है क्या? यार पापा तो रिमोट देते ही नहीं, डेली की डेली बैठ जाते हैं लेके साथ में। जब ऑफिस जाते थे कितना बढ़िया लगता था। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारा तो रोना धोना ही खत्म नहीं होगा कभी भी। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। अरे अदरक नहीं डालनी थी इसमें। अच्छा चाय में इतनी डिमांड है ना, तो खुद बना लिया करो। डिमांड देखो इनकी। गतिक स्कूल की छुट्टी हो गई और अब तो नेटफ्लिक्स देखेंगे, टीवी देखेंगे, फनी वीडियो देखेंगे, कार्टून देखेंगे, मजे आएंगे। हाँ मजे मजे, रात को लेट सोएंगे, लेट उठेंगे। अरे अच्छा है, मेरी भी टेंशन छुट्टी। अब रोज ऑफिस जाते समय ना तुम्हें स्कूल छोड़ने की टेंशन नहीं रहेगी। अरे पापा अगर आप इतने ही परेशान थे तो हमारी छुट्टी करवा देते, हम तो वैसे ही आज स्कूल जाके। हाँ हमें भी जाने का शौक तो है नहीं स्कूल। बहुत हंसी ठिठोली होली, चलो जाओ और सो जाकर, कल स्कूल भी जाना है। अरे मम्मी हमें स्कूल नहीं जाना कल। क्यों ऐसा क्या हुआ है? अरे मम्मी वो देखो न्यूज में आ रहा है, हमारी ना समर वेकेशन हो गई है, अब तो 40 दिन ना हम घर में ही रहेंगे, लेट उठेंगे, लेट सोएंगे। हाँ तो छुट्टी हो गई तो पढ़ाई तो खत्म नहीं हुई है ना, चलो जाओ सो, सुबह जल्दी उठना है। अरे मम्मी छुट्टियों में कैसी पढ़ाई होती है, छुट्टियों में तो नानी के घर जाते हैं। नानी के घर जाना है? कोई नानी के घर नहीं जाना, अपना होमवर्क करो जाकर, चलो। चल भाई मम्मी नहीं समझेंगी कभी। और तुम, तुम्हारे लिए कार्ड छपवाऊं क्या मैं? खड़े होके चलो। जा रहा हूं। गति उठ जा, कब तक सोएगा? अरे मम्मी बस 5 मिनट और सोने दो। कोई 5 मिनट नहीं, जल्दी खड़ा हो जा, 10 बज चुके हैं। मम्मी 10 बजे का क्या बात होती है, अब तो स्कूल भी नहीं है, अब क्यों उठा रहे हो? जब रात को 12-12 बजे तक जगोगे तो सुबह तो 10 बजे उठोगे ही, तुमसे जल्दी तो सोया नहीं जाता, फिर तुम्हें उठा नहीं जाता, जल्दी खड़ा हो जा। अरे सुनो मेरी बेल्ट कहाँ है? मैंने पहन ली तुम्हारी बेल्ट। ना तुम्हें बेल्ट का पता, ना तुम्हें रुमाल का पता, ना तुम्हें पर्स का पता। तुम सबके सारे काम मैं करके दूं, तुम्हें तो खुद कुछ करना नहीं होता। शर्मा जी को देखो, उनके घर में कितना डिसिप्लिन है, हर चीज टाइम टेबल से है। उनका खाना क्या, उनका पीना क्या, उनके हर काम में टाइम टेबल है, हर काम में। इसीलिए तो उनके बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। शर्मा जी के बच्चों के पास तो उनकी साइकिल भी है। अरे शर्मा का क्या है, उसने तो दूसरी शादी की है, मैं भी कर लूं। मैं तो मजाक कर रहा था। बे क्यों अपनी मम्मी को दुखी कर रहा, खड़ा। और वो महारानी कहाँ है, जल्दी उठाओ उसे भी। दीदी
दीदी तो जॉगिंग करने गई है। वो जो जॉगिंग करने गई है ना, सब जानती हूँ मैं। जॉगिंग के बहाने वो जो अपने दोस्तों से बात करती है, वॉक करने गई है वो। और तुम दोनों 10 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ जाओ, वरना खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। अरे मम्मी 10 मिनट में क्या होता है? 10 मिनट? 10 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता है बेटा। 10 मिनट के अंदर नीचे चाहिए मुझे। और आप अपनी लाडली बेटी को लेके जल्दी नीचे आ जाओ टेबल पर, ठीक है? वरना खाना नहीं मिलेगा। टाइम से दोनों आ जाना। अरे भाई उठ जा, क्यों सुबह सुबह उसे नाराज कर रहा है? जल्दी कर। उठना तो पड़ेगा ही ना पापा, पापी पेट का जो सवाल है। बेल्ट नहीं मिल रही यार। हाय, कुछ नहीं यार, पार्क में ना घूमने के लिए आई थी सुबह सुबह वॉक पे, इतनी थक गई ना, फिर सोचा तुमसे बात कर लेती हूँ। कुछ नहीं, बोर हो रही थी। तुम कॉलेज नहीं गए आज? अच्छा नहीं नहीं सही है, मस्त लग रहे हो। तुम तो हमेशा ही हैंडसम लगते हो। अरे तू यहाँ पे दोस्तों से बात कर रही है और वहाँ तेरी मम्मी ने घर पे बम फोड़ दिया, पागल हो गई है वो। है? पापा अगर मम्मी पागल हो गई है तो पागल खाने में भर्ती कर दो जल्दी से। तेरे को क्या लगता है हमारा घर पागल खाने से कम है क्या? जल्दी चल नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बम फोड़ चुका है, क्यों क्या हो गया पापा? उसके सर पे ना वो डिसिप्लिन का भूत सवार हो गया है। अगर हम 10 मिनट में, अब नहीं 8 मिनट में अगर नहीं पहुंचे ना घर, तो खाना नहीं मिलेगा आज। हाँ चलो पापा, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है। अच्छा एक बार बता, ये तू बात किससे कर रही थी? वो पापा, मैंने आपको राहुल के बारे में नहीं बताया था उसी से। राहुल? कुछ दिनों पहले तो तू महेश से बात कर रही थी। कभी महेश, कभी सुरेश, कभी दिनेश, तो ये क्या लगा रखा, किसी एक पे टिक जा बेटा। अरे पापा, आप पापा वाली सोच क्यों रखते हो? चिल करो ना, डूड बन के रहो। चलो चलो। मैंने ना तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है, क्या गर्लफ्रेंड क्या बॉयफ्रेंड, अभी जाके ना भाभी जी को बताता हूँ। दादा कह दियो। अरे पापा, ये अंकल सच में बता देंगे, चलो जल्दी। हाँ हाँ तो जा ही तो रहा हूँ, सब बता दूंगा, भाभी जी को देख लेना। इधर इधर, अरे उधर नहीं, इधर कर रहे। वाह भाभी जी वाह, कब खाना बनाया आपने, आपके हाथों में तो जादू है जादू। आप कहो तो मैं आपके लिए और खाना बना दूंगी, अगर आप खाओगे तो। मम्मी उनको इतना खिला रही हो, थोड़ा बहुत खाना हमें भी दे दो, भूखे हैं बच्चे, 5 मिनट ही तो लेट है, खिला दो मम्मी हमें भी। क्या 5 मिनट लेट? 5 मिनट इज इक्वल टू 60, मतलब 300 सेकंड लेट। भाभी जी मैं नहीं जाता, मैं तो इनको पकड़ के मारता। तो मैं कौन सा सहरी हूँ, आज इन लोगों को एक एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा खाने का। 5 मिनट 5 मिनट होते हैं, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे ये भी तो खाना खा रहा है, जब इसको दे सकती है तो बच्चों को भी दे दो, हमको भी दे दो। अरे मेहमान है, घर में आएंगे तो खाना तो देना पड़ेगा ना इनको। मेहमान है ये, डेली तो घर में पड़े रहते हैं। इसका क्या है, इसकी तो बीवी मरी हुई है। हाँ तो मतलब मैं कह रहा था इसकी बीवी नहीं है, कहीं कहीं जाके खाता फिरता है। मम्मी यार प्लीज दे दो ना, 5 मिनट की तो बात है, बहुत तेज भूख भी लगी है। भाभी जी आप बुरा मत मारना, आपके घर में ना डिसिप्लिन नाम की तो चीज ही नहीं है। आप ना टाइम टेबल बना लो, उससे क्या है ना बच्चे डिसिप्लिन में भी रहेंगे और रूल के हिसाब से भी चलेंगे। एक बात बताएं भाई साहब, आपकी क्या मिट्टी के तेल की दुकान है क्या? नहीं क्यों? तो क्यों आग लगाते रहते हो दूसरों के घरों में? तुम ना चुप करके बैठो। और आप ना भाई साहब, सही कह रहे हो भाई साहब, आप टाइम टेबल तो अब बन के ही रहेगा। तो अब कल से सुबह सब 6 बजे उठेंगे, ठीक है? क्या मम्मी, देखो हम सुबह ना 6 बजे नहीं उठ सकते, 10 बजे तो हम उठ ही सकते हैं, देखो 10 बजे से पहले नहीं। 10 बजे जब स्कूल जाते हो तब नहीं उठते तुम 7 बजे? 10 बजे तो ज्यादा हो जाता है, मेरे हिसाब से 8 बजे उठना ठीक रहेगा, 8 घंटे की नींद तो चाहिए ना आदमी को। भाभी जी मैं तो ना 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे की नींद लेता हूँ। हम है ना इंसानों की बात कर रहे हैं। क्या मतलब? अरे मतलब ये, हम तुच्छ इंसानों को 8 घंटे की नींद तो चाहिए ना है। देखो ऐसा है, 10 बजे तो नहीं, आदमी
8 बजे तो उठ ही सकता है। अब एक आदमी को 8 घंटे की नींद तो चाहिए ना, तो 8 बजे ठीक है। नींद ना पूरी हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि आज से ना हम 12 बजे नहीं 10 बजे सोएंगे, ठीक है? नो 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 मम्मी, हम 10 बजे कैसे सो सकते हैं, 10 बजे तो हम डिनर करते हैं। तो अब डिनर हम ना 2 घंटे पहले करेंगे, मतलब पहले हम 10 बजे करते थे, अब हम 8 बजे करेंगे, ठीक है? वाह भाभी जी क्या बात है। अरे मम्मी कल 8 बजे तुम डिनर डिसाइड करते ना क्या बनेगा। तो आज से हम डिनर ना बेटा 6 बजे डिसाइड करेंगे, और तुम्हें ये डिसाइड करने के लिए ना केवल 5 मिनट मिलेंगे, और 5 मिनट में अगर बता दिया तो ठीक है, वरना वो बनेगा जो मैं डिसाइड करूंगी। इसका मतलब वही कुरकुरी भिंडी? मम्मी वो तोरी दलिया जी। हाँ बेटा वही। वाह वाह भाभी जी भिंडी तो मेरी फेवरेट है। तेरे को तो फ्री का मिलेगा, तू तो कुछ भी खा लेगा, कूड़ा भी खा लेगा। सही कह रहे हो पापा। अगर आपको उल्टी चीजें क्यों पसंद होती है, आऊंगा मुक्का। सुनो मैं ही कह रहा था 6 बजे नहीं 6:30 बजे उठ जाते हैं। पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं मम्मी। 6:05 20 6:10 6:15 ठीक है 6:15। अरे मम्मी दोनों सेम ही होते हैं। भाभी जी मेरी नींद तो ना हल्की सी 8 में भी खुल जाती है। मैंने कहा था ना कुत्ता है। हाँ सही कह रहे हो पापा। तो सबको ये टाइम टेबल मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ फोन पर, ठीक है? अच्छे से इसे देख लेना। मेरे को भी भेज देना टाइम टेबल। जी भाई साहब। सुनो तीनों, अगले 2 घंटे के लिए तुम तीनों फ्री हो, उसके बाद तुम्हारा टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अरे पापा कैसे आपने इस मम्मी को पसंद कर लिया, वो भी लव मैरिज में। दिमाग खराब तो मेरा, ग्रह ना उल्टे पड़े हुए थे। सही कह रहे हो पापा। वैसे भाई देखना क्या है, 2 बजे लंच टाइम। थैंक गॉड पापा, लंच तो खाने को मिलेगा कम से कम। ठीक है भाभी जी मैं चलता हूँ। आ जाना 2 बजे फ्री का खाने। और तुम तीनों 2 बजे मुझे नीचे लंच पे मिलने चाहिए, वरना खाना नहीं दूंगी तीनों को। मम्मी जल्दी जल्दी मेरे बाल बना दो, वरना मुझे अपने फ्रेंड के साथ बाहर खेलने भी जाना है। तो उसमें क्या है, वो तो तू रोज ही जाती है। हाँ जाती तो हूँ, लेकिन अब देखो ना कितनी धूप हो गई है, अप्रैल का महीना आ गया है ना, इतनी धूप रहती है ना सर पे, और उससे ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो गए हैं और रफ भी रहते हैं। लेकिन मम्मी एक बात बताओ। बोलो। आपके बाल तो इतने अच्छे रहते हैं अभी भी, और कितने लंबे भी हैं और इतने शाइनी भी हैं, मेरे क्यों नहीं है, क्या लगाती हो आप? क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का हिबिसकस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल, क्योंकि इसमें है गुडनेस ऑफ हिबिसकस और करी लीव्स का, जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर रूट्स को नरिश करता है। हाँ मम्मी बढ़िया है, लेकिन शैम्पू नेचुरल है या इसके अंदर केमिकल्स हैं? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया पहले भी कि मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है। तू इनके प्रोडक्ट्स मामा अर्थ अमेजोन नाइका पर्पल फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ ऐप से बाय कर सकती है। मामा अर्थ ऐप पर यूजर्स को अर्ली सेल्स और डिस्काउंट का एक्सेस भी मिलता है, और अगर तेरा कोड रिंकी 2024 को यूज करेगा तो उसे 20% ऑफ मिलेगा मामा अर्थ ऐप और mamaearth.in पर। वाओ मम्मी ये तो बहुत अमेजिंग है। चलो ऐसा करती हूँ मैं है ना इसे यूज करके दिखाती हूँ तुम्हारे बालों पर। हाँ देख तेरे बाल कितने रफ लग रहे हैं है ना। अब ये हेयर ऑयल मैं तेरे बालों में अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है? और तू चाहे ना तो इसे कॉम एप्लीकेटर से भी डायरेक्ट अपने स्कैल्प पर इजीली लगवा सकती है, और अगर तू चाहे ना तो इसे ओवरनाइट भी रख सकती है। और फिर मामा अर्थ के हिबिकस डैमेज रिपेयर शैम्पू से इसे वॉश कर लो, और उसके बाद देखो तुम्हारे बाल कितने हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे। चल जा, अब तेरे कोई भी बाल डैमेज नहीं होंगे। ठीक है मम्मी अब मैं जाती हूँ खेलने के लिए। एक बात है, बैर टाइम खाना खाओ ना तो पेट भी नहीं भरता और खाना खाने का जी भी नहीं भरता। सही कह रहे हो पापा, ये टाइम टेबल का ना चक्कर ही बेकार है। चलो तुम तीनों का ना वॉक का टाइम हो गया है, जाओ। अरे मम्मी वॉक का टाइम थोड़ी है, ये तो फोन में गेम खेलने का टाइम है। खेलने का टाइम हुआ है? नहीं नहीं टाइम टेबल में देख तू जरा वॉक का टाइम लिखा है। अरे मम्मी मैं दिखाता हूँ, देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि गेम खेलने का टाइम है। हाँ मम्मी इसमें तो गेम खेलने का ही टाइम लिखा हुआ है। खेलने का टाइम लिखा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें पता नहीं है मैंने कितने बार कहा है तुम अपना ध्यान भी रखा करो, इस टाइम टेबल के चक्कर में ना
तुम बिल्कुल इतनी बिजी हो गई हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। थोड़ा रिलैक्स करो, तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा ना तो कुछ कुछ अपने बारे में भी सोचोगी तुम। है हाँ मम्मी पापा एकदम सही कह रहे हैं, ये टाइम टेबल वगैरह के चक्कर छोड़ो, चलो चलो बाहर खेलने चलते हैं। रुको एक मिनट, मम्मी को यकीन ही नहीं होता हमारी बात पे। हाँ भाभी जी। भाई साहब कैसे हो आप? वो भाई साहब मैं ये पूछ रही थी, जो टाइम टेबल मैंने आपको भेजा था ना, क्या हुआ? एक बार बताना जरा कि लंच के बाद वॉक टाइम है या खेलने का टाइम है। एक मिनट होल्ड, भाभी जी आपने ना लंच के बाद ना 15 मिनट की वॉक लिखी हुई है। चलो ठीक है मैं फिर बात करती हूँ। ठीक है। गतिक दिखाइए जरा फोन। फोन गुम हो गया मेरा फोन। अब बताती हूँ तुम्हारा टाइम टेबल क्या होता है। अरे बेटा चीटिंग करते हैं वो भी घर में मम्मी के साथ। चलो नहीं आती तुम्हें। लग गई होगी उसके हाथ में मेहंदी लगी है तुम्हारे। तुम्हें मैं कूटू या तुम कूट रहे हो उसको? मैं पीट रहा हूँ। तूने जो टाइम टेबल के साथ छेड़खानी की थी ना उसका सॉल्यूशन मिल गया है मुझे, और अब इसको किसी ने भी छेड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि तुमसे अच्छा दिमाग किसी का नहीं है। क्या दिमाग लगाया तुमने, वाह वाह वाह। पता है मुझे, चलो तीनों वॉक पे जाओ। चलो। ओ मिस्टर नटवर लाल तुम कहाँ? मैं भी वॉक के लिए जाऊं। हाँ तुम भी वॉक पे जाओ, चलो। ये घुमा दो इधर से उधर। गतिक तेरे को जरूरी था कि तुझे टाइम टेबल चेंज करना पड़ा? अरे मेरे को क्या पता था यार। वैसे पापा आपका सही है, आप तो कल ऑफिस चले जाओगे, टाइम टेबल तो हमें फॉलो करना है ना। ये ठीक है, कम से कम 6 घंटे तो तुम्हारी मम्मी के इस टाइम टेबल के झंझट से दूर रहना पड़ेगा। हाँ हमें तो फिर भी फॉलो करना ही पड़ेगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऑफिस का टाइम टेबल भी मैंने बना दिया है। ये लो चाय पियो और टाइम टेबल पकड़ो। सही कह रहा हूँ। अरे पकड़ो इसे। अरे पापा अपना टाइम टेबल तो लेके चले जाओ, कल फॉलो कैसे करोगे? और तुम दांत मत दिखाओ, चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई का टाइम हो गया है। भाई मेरे को तो 10 बजे नींद नहीं आने वाली, काम 12-1 बजे सोते हैं और काम भी 10 ही बजे हैं। अरे यार मम्मी हमें तो सोने के लिए बोल देती है, खुद तो फेसबुक देखती रहती हैं। सही बोल रहा है। और बैग मुझे नींद तो आने रही, टॉयलेट आ रहा है तो मैं ना वॉशरूम जा के आया। हाँ जा। अरे यार ये मम्मी ने बिना जीना हराम ही कर दिया, क्या करूं? दोस्त से पूछ लेता हूँ। गतिक को इतनी देर हो गई है वॉशरूम में, कर क्या रहा है? सुनना पड़ेगा। अरे भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हुआ भाई? अबे तेरी वजह से दिक्कत हो गई, तेरी मम्मी ने वो टाइम टेबल से बना रखा था कुछ, वो मेरी मम्मी ने भी देख लिया और मम्मी ने मेरा जीना दुपट ही कर दिया। करियर 10 बजे से पहले सो जाओ और सुबह 6 बजे उठ जाओ, नहीं तो खाना ही नहीं मिलेगा। भाई कोई सोल्यूशन है क्या? हाँ हाँ भाई तेरे भाई के पास सारे सोल्यूशन है, मैं भी यही फॉलो करता हूँ। अच्छा बता। ओह ये बात है।
चल ठीक है भाई, मैं जरूर कल मिलता हूँ, राहुल से बात कर लेती हूँ। हाय बेबी, सो गए थे क्या? नहीं नहीं बेबी, मैं कहाँ सो रही थी यार, वैसे लेकिन बहुत जल्दी सोना है, मम्मी ने ना नाक में दम किया हुआ है, मम्मी ने टाइम टेबल बना दिया है और ना अब हमें 10 ही बजे सोना है। हाँ हाँ अच्छा मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। आ गया वॉशरूम से? हाँ आ गया, देखिए जरा। हाँ तो चिल्ला क्यों रहा है? अब सो जाते हैं, नहीं तो मम्मी कल सुबह खाना नहीं देंगी। हाँ सुबह जल्दी भी उठना है, तू भी सो जा। हरे ओम हरे ओम। हेलो, ये क्या है? चाय बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक घंटे से बीरबल की खिचड़ी बन रही है तुम्हारी, कब तक बन पाएगी? मैं बना तो रहा हूँ, टाइम लगता है इसमें। बना तो रहा हूँ, हाथ नहीं चल रहे, बुड्ढा कहीं का। अरे टाइम टेबल कहाँ गया? तीनों के तीनों आ गए। अबे भाई अब क्या हो गया, चल जल्दी। क्या हो गया, क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे हम तीनों क्यों बुलाया है? ये टाइम टेबल कहाँ गया? हाँ दिख तो रानी यही पे था। गतिक, पिछली बार तो तूने सिर्फ चेंज किया था टाइम टेबल और इस बार पूरा गायब कर दिया। नहीं नहीं मम्मी, मैंने नहीं चुराया, ये तो ना रिंकी दीदी ने चुराया है। है? मैंने कैसे चुराया बताइए जरा। मम्मी जब हम सो रहे थे ना तो रिंकी दीदी पानी पीने गई थी। हाँ तो पानी पीने तो गई थी, पानी कहाँ पीने गए थे आप? फ्रिज में। मम्मी फ्रिज में टाइम टेबल था तो देख लो चुरा लिया रिंकी दीदी ने। नहीं नहीं मम्मी, मैंने नहीं चुराया, ये गतिक ने चुराया है। मैंने कैसे चुरा लिया, अब क्लियर तो कर दिया। देख जब हम ऊपर सो रहे थे ना तो तू वॉशरूम में गया था और वॉशरूम में ना मैंने तेरी और तेरे दोस्त की ना बातें सुन ली थी टाइम टेबल चुराने की। मम्मी इसने ही चुराया है। अरे ची 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 ची, इतनी ईमानदार आदमी के बच्चे ऐसे नालायक तुम पे गए। ईमानदार तुम पे गए? ईमानदार कोई बात नहीं, ये टाइम टेबल तो तुमने चोरी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बार बेटा ऐसा टाइम का टेबल बनाऊंगी ना तुम्हारे सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और तुम क्या देख रहे हो, जो तुम लोग 6:15 उठते थे ना आज से 6 बजे उठोगे और जो तुम 10 बजे सोते थे ना आज से 9:30 सोओगे। तुम मजाक कर रही हो? सोता है। और तुम दोनों जाओ पढ़ाई करो। चल भाई। वो बीरबल की खिचड़ी पूरी करो। बना रहा हूं। हाँ ये वाला, वेरी गुड। अब ये लगा दिया मैंने टाइम टेबल, ये अब देखती हूं तीनों में से कौन चेंज करेगा इसको, पूरी नजर रहेगी मेरी पूरी। तुम ये सब छोड़ो, चाय पियो। कैसी है, अच्छी है ना? चीनी कौन डालेगा, मेरी माँ? नहीं डालूंगा चीनी, मैं डालूंगा। इसी काम के लिए तीनों एक जैसे हैं। इन बच्चों ने है ना मेरे नाक में दम कर रखा है, कल तो इन्होंने टाइम टेबल उड़ा दिया था लेकिन आज मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। देखो तुम्हें हो गया बहन, तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम चुप करो, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में, रुको। अरे अब कहाँ चल दी? आ रही हूँ ना। कहाँ चल दी?
अरे क्यों डरा रही है, क्या हो गया? टाइम टेबल लगा हुआ है, बड़ी तसल्ली मिली मुझे तो। तुम ना 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर से? अरे आ रही हूँ ना। हाँ चल दी, जाने भी नहीं देते। अच्छा सुन, मेरे चाय भी लेकर आई हो? चाय में जहर मिला दूँ मैं? चाय ले आना। हाँ सेफ है। चलो सही है, अब तक तो टाइम टेबल बिल्कुल सेफ है, बड़ी खुशी मिल रही है। पर मुझे ना ऐसा लगता है कि जो टाइम टेबल चेंज हुआ था ना, ये एक बच्चे की शरारत नहीं है, ये दोनों ने मिलके किया है। अरे ठीक कह रही हो, ये टीम वर्क है। टीम वर्क उनको सिखाया किसने? मैंने तो सिखाया। क्या मतलब? अरे मैं कह रहा था तुम टेंशन मत लो, टाइम टेबल कहीं नहीं जा रहा, वही है। हाँ वो तो मैं सो ही जाऊंगी, और वो जाएगा ही कहाँ, अब तो मैं जाने ही नहीं दूंगी उसे। और अगर किसी ने चुराया ना तो उसका तो पता मैं लगा ही लूंगी। अच्छा क्या करने वाली तुम? वो मैं अपने आप कर लूंगी जो करूंगी। तुम्हें सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? सो चुपचाप, चलो इसको रखो, सुबह जल्दी भी उठना है। ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? चलो चलो। हे प्रभु, सच सच बताओ ये टाइम टेबल गायब किया किसने? देखो मम्मी, मेरे ऊपर तो शक भी मत करना, मैंने नहीं किया, आपकी कसम। और मम्मी आपके सिर की कसम मैंने भी नहीं किया, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और मैं तो कर ही कैसे सकता हूँ, तुम्हें तो पता है मैं सो रहा था। वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन चोर है जो इस टाइम टेबल को चुरा रहा है। और ये टाइम टेबल ना मैंने तुम्हारी भलाई के लिए लगाया था, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन आए, पर तुम्हारे अंदर तो डिसिप्लिन का डी भी नहीं आया है। और रही बात चोर की, उसका तो मैंने पता लगा ही लिया है। है? वो कैसे मम्मी? कैसे? अभी बताती हूँ। ये देखो। भाई ये तो हमारा घर लग रहा है। हाँ दीवारें भी एकदम सेम पेंटेड है। हाँ कौन है ये चोर? दिखेगी मुझे? हाँ घर तो हमारा ही है ये, और ये चोर, और इसकी शक्ल तो मेरे जैसी। पापा आप इतना गिरा हुआ काम करोगे? छी छी जी जी पापा, आप तो मुझे ज्ञान दे रहे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अभी खुद ही चोरी कर रहे हो, बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? वो तो मुझे पहले पता था कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, बिल्कुल लोमड़ी की तरह है। पर ये तो बताओ तुमने ये काम किया कैसे? जब तुम घोड़े बेच के सोने की एक्टिंग कर रहे थे ना, उस टाइम पे मैंने ये फोन लगाया था। पता तो चले मुझे टाइम टेबल आखिर चुरा कौन रहा है। अरे देखा, मैंने तुमसे पहले कहा ना कि तुम्हारी मम्मी का दिमाग बहुत ही चलता है, बिल्कुल लोमड़ी की तरह। और अब इसी दिमाग से ना ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगी कि तुम्हारे पापा ना जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। Hey guys, कैसे हो आप सब? और हाँ, आपने पूरी वीडियो देखी? अगर देखी है तो कौन सा पार्ट आपको रिलेटेबल लगा है वो कमेंट करके बताना, और बहुत सारा प्यार दे दो वीडियो को। लव यू ऑल, बाय।